नमस्कार। आज हम आनंद और सफलता के बीच के संबंध की चर्चा करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड सक्सेस। हैप्पीनेस आनंद, उत्फुल्लता प्रफुल्लता खुशी निर्भर करती है विभिन्न आयामों पर, समृतियों पर। इट्स ए मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन और जीवन को एक पूर्णता प्रदान करती है। हम स्वस्थ रहें तो खुश होंगे। प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा चिंतन करें, अच्छा मनन करें, मंथन करें, अच्छा व्यवहार करें, प्रेम करें, त्याग करें, ईश्वर में ध्यान दें, प्रार्थना के साथ साथ दूसरों के लिए भी कल्याण की चर्चा करें अपने हृदय में, अच्छे मित्र रखें, परिवार का पोषण करें, प्रेम दें, प्रेम लें, अच्छा काम करें। गेटिंग वॉट आई लव, लविंग वॉट आई गेट, हैप्पीनेस है, सक्सेस है मेरे लक्ष्यों की पूर्ति। वो लक्ष्य किसी प्रकार के हो सकते हैं, मेरे व्यवसाय के, मेरे जीवन के, मेरी इच्छा के, मेरी हॉबीज हो सकती हैं, मेरा धंधा हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, वकालत हो सकती है, अध्यापन हो सकता है। विद्यार्थी के भी लक्ष्य होते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके और पास हो सके, उनकी पूर्ति को सक्सेस कहते हैं। यदि हम हैप्पी हैं तो सक्सेस आसान हो जाएगी। बिना तनाव के काम करेंगे, उत्फुल्ल रहेंगे, उत्साही रहेंगे, जोश रहेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, एकाग्रता और साथ ही में रचनात्मकता, नया सोचेंगे, सही डिसीशन लेंगे, सही निर्णय लेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, थकेंगे नहीं, आनंद लेंगे सफलता का और नई सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि हम खुश नहीं हैं, काम में मन नहीं लगेगा, गलतियां करेंगे, भूलें करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, नुकसान करेंगे दूसरों का, कल्याण नहीं करेंगे किसी का, किसी को देंगे नहीं, निराश होंगे, तनाव में होंगे। और यदि सफलता पर पूरा ध्यान देंगे तो तनाव भी होगा, बर्नआउट भी होगा, समय कम मिलेगा बाकी चीज़ों के लिए, मित्रों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, भगवान के लिए समय कम मिलेगा। अतः सफलता और आनंद दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। वी शुड हैव ए हैप्पी लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। अर्थात संतुलन बहुत ज़रूरी है और इसलिए चाहिए हमें अपने लक्ष्यों को रखें, और ये लक्ष्य सब प्रकार के हों, उसमें सफलता का लक्ष्य भी हो। परंतु ध्यान रखिएगा, मेरा आनंद मेरे बस में हो सकता है पर मेरी सफलता दूसरों के साथ मिलकर के ही सुनिश्चित कर सकता हूँ। मेरी खुशी की परिभाषा मैं करूँगा, मेरी सफलता की परिभाषा दूसरे करते हैं। मेरी खुशी आज विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। सफलता में एक मंथर गति, तीव्र गति दोनों ही आती हैं। सफलता कई बार मेरे बस में नहीं होती पर आनंद को मैं ला सकता हूँ अपने हृदय में संतोष और धैर्य के माध्यम से। हर स्थिति में मैं स्थितप्रज्ञ रह सकता हूँ, संतुलित रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ। और हमें सफल बनने की चेष्टा करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी सक्सेसफुल। बट रिमेंबर वन थिंग, हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ऑल गोल्स। सभी लक्ष्यों का एक ही लक्ष्य है, हैप्पीनेस। उसको सैक्रिफाइस मत करिएगा और हैप्पीनेस से ही लक्ष्यों की पूर्ति करिए, तो वो जो सक्सेस विद हैप्पीनेस मिलेगी तो दैट विल बी खुशनुमा सफलता, द स्माइलिंग सक्सेस। नमस्कार।